अरे तुलमा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते हशतम यानी एट्थ क्लास। एट्थ क्लास में छठवां सबक पढ़ना है महीने की पहली तारीख। महीने की पहली तारीख में पार्ट वन हो चुका है, आज हम पार्ट टू पढ़ेंगे। इस सबक के लिखने वाले मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फरातुल्ला बेग है। पार्ट वन मुकम्मल हो चुका है, आज हम पार्ट टू। पार्ट टू में देखो तुलमा, यहाँ पर मियाँ और बीवी के दरमियान गुफ्तगु थी। क्या कि उसके बाद कहाँ से हैं मियाँ क्या बोल रहे, अफ़ा खुदा गारत करे इस मकानदार को, जालिम किराया तो पहली तारीख को आकर वसूल कर लेता है। यानी क्या बोल रहे, एक महीने में घर का कितना खर्चा होता कि मियाँ को एक महीने की पहली तारीख के दिन तनख्वाह मिलती, तो बीवी पूरा हिसाब लिखकर बताते शोहर को। मियाँ को बताने के बाद उन्होंने क्या बोल रहे, वाह खुदा गारत कर इस मकान, यानी जिस मकान में रहते उसका किराया तो अदा करना पड़ता, तो खुदा गारत करे इस मकानदार जालिम को, किराया तो पहली तारीख को वसूल कर लेता है और मरम्मत को कहो तो जवाब तक नहीं देता। यानी अगर घर में कुछ भी थोड़ा टूट गया या नल ख़राब हुआ तो सही करने नहीं आता, लेकिन महीने की पहली तारीख होते ही घर का किराया पहले वसूल कर लेता है, बल्कि मियाँ अपने आप में बड़बड़ा रहे थे। सामने की दीवार को देखो, अधर खड़ी है, अधर खड़ी है यानी ऐसा गिर गए जैसा। अब की बरसात में ना आ पड़े तो मेरा जुमा खुदा मालूम कौन कौन इसके नीचे दबकर मरने वाला, यानी इस दीवार अगर बारिश में आपके इस बार सही नहीं करे तो कौन कौन गिर के यानी दीवार के नीचे दबकर मरने वाला है। छतें तो इनकी ये हालत है कि यानी मकान की छत ऐसी है कि दिन को इसमें तारे दिखाई देते, यानी होल्स है, बारीक बारीक छत में क्या सुराखें हैं। गुसल खाने से माशाल्लाह और रेवड़ी है तो सुबहान अल्लाह, तो हाँ मकान के 22 रुपये आगे चलो, बल्कि बीवी को मियाँ कह रहे हैं। इसी तरह बीवी अमीरन के 9 रुपये, अमीरन के कितने रुपये 9 रुपये, मियाँ अमीरन के 8 रुपये, मियाँ क्या बोल रहे अमीरन के 8 रुपये। इसी तरह बीवी 8 नहीं 9, 8 रुपये नहीं बल्कि 9 रुपये, तो मियाँ क्या बोल रहे अच्छा आगे चलो, अच्छी बात है आगे चलो। इसी तरह बीवी गोश्त वाले के 7 रुपये, एक महीने में गोश्त वाले के कितने रुपये हुए 7 रुपये, बीवी कह रही है अपने मियाँ से। तो मियाँ इसको तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा, गोश्त वाले को एक पैसा भी नहीं दूंगा, क्योंकि बदमाश ने सारे महीने कुत्तों का रातिब खिलाया। क्या बोल रहे बदमाश, जो गोश्त बेचने वाला महीने में एक महीने में 7 रुपये हुए लेकिन कुत्तों का रातिब खिलाया, यानी गोश्त सही नहीं था। ज़रा तुम ही ईमान से कहना एक दिन भी गोश्त गला क्या, बल्कि बीवी से मियाँ पूछ रहे थे। रुपये का 2 सेर गोश्त देता है और उठा कर देखो तो नरे छिचड़े होते हैं, गोश्त में क्या है छिचड़े ही छिचड़े और गोश्त भी नहीं गलता। बीवी कहने लगी ना दो मेरा क्या जाता है, अच्छी बात है गोश्त वाले को तो ना दो मेरा क्या जाता, वो जाने और तुम जानो। मियाँ गोश्त वाले के 7 रुपये क्या करे फिर, मियाँ गोश्त वाले के 7 रुपये हिसाब करके लिख दिए। और बीवी तरकारी वाली के 5 रुपये, तरकारी वाली के कितने 5 रुपये, एक महीने में 5 रुपये की तरकारी खर्च हुआ है। मियाँ मियाँ बोले तरकारी वाली के 5, तरकारी वाली के 5 रुपये। बीवी बनिए के 70 रुपये, क्या है बनिए के 70 रुपये। मियाँ 70 रुपये गज़ब खुदा का, हम दो मियाँ बीवी और ये दो बच्चे महीने भर में 70 रुपये का अनाज खाए, हम दोनों है और बच्चे चारों ही, हम क्या 70 रुपये का अनाज खाए क्या, पूछ के अनाज खाए क्या बोल के पूछ रहे मियाँ बीवी से। बीवी खाए या नहीं खाए, क्या बोल रहे खाए खा गए या नहीं खा गए अब अनाज को, ये तो मैं जानती नहीं, लो ये बनिया का पर्चा है खुद देख लो 70 रुपये होते हैं या नहीं, 70 रुपये हो गए बनिया वाले। मियाँ पर्चा देख कर गेहूँ एक मन, पर्चा देख लिए मियाँ कौन सा, जो अनाज एक महीने में इस्तेमाल किया गया अनाज, पर्चा देख कर गेहूँ एक मन 10 सेर, 10 रुपये के क्या भाव होंगे, रुपये के 5 सेर, तमाम दुनिया में गल मच रहा है, गल्ला सस्ता हो गया, गल्ला सस्ता हो गया और हमारे यहाँ वही पुराना भाव चला, क्या बोले दुनिया में ये हर पूरे अनाज सस्ता हो गया, बल्कि हर तरफ बोले लेकिन हमारे एरिए में तो यह ना सस्ता ही नहीं हुआ है, यहाँ मेहनत करते करते हम अधमोए जाते हैं। और बीवी साहिबा है कि माल मुफ्त दिल बेरहम समझकर अंधाधुंध लुटाए चली जाती है, हम दिन भर मेहनत करने के बावजूद बीवी ये काम करती है कि हम वेस्ट खर्चा कर रही है। बीवी
ये भी अच्छी कही कि मैं आपका रुपया लुटा रही हूँ। बीवी क्या बोल रही है अपने शोहर से? बीवी ये कह रही है कि ये भी अच्छी कही है कि मैं आपका रुपया लुटा रही हूँ। मैं कहाँ, बीवी बोल रही मैं आपका रुपया लुटा रही हूँ, आप अच्छी बात कह रहे हैं, तभी हिसाब से एक पैसा ज़्यादा मुझे दिया क्या, बोल के बीवी अपने शोहर से पूछ रही है। तो ये तूफान उठाए जा रहे हैं झूठा मुझ पर, बोल के बीवी अपने मियाँ से पूछ रही है। अपने रुपये खुद ही कमाओ और खुद ही उठाओ, मैं बीच में पढ़कर मुफ्त बुरी क्यों हो बनूँ, बोल के अपनी बीवी मियाँ से कह रही है। मैं क्यों आऊँ आपके बीचों में, आप ही दोनों हिसाब कर लियो मियाँ, अच्छा आगे चलो। मियाँ क्या बोल रहे, अच्छा आगे चलो। बीवी, धोबी के 3 रुपये। मियाँ क्या बोल रहे, अच्छा आगे चलो। बीवी क्या बोल रही, और एक हिसाब है यहाँ पे, 1 महीने का धोबी के 3 रुपये, कपड़े धोने के 1 महीने में 3 रुपये हुए। मियाँ, कसम खुदा की धोबी से तो मेरी जान बेजार हो गई। मियाँ क्या बोल रहे, कसम खुदा की धोबी से तो मेरी जान बेजार हो गई, क्योंकि अब यही देखो मैं जो कुर्ता पहना बैठा हूँ इसका क्या हाल है। धूप में नामाकुल ने धज्जियाँ कड़िया ने उसके जो मियाँ के कपड़ों को धूप में सुखा सुखा कर उसका कलर पूरा उड़ गया। तो धोबी को गुस्सा कर रहे हैं मियाँ। बीवी, लकड़ियाँ 6 रुपये, 1 महीने में लकड़ियों का खर्च कितना आया, 6 रुपये। मियाँ, क्या कहा, लकड़ियाँ 6 रुपये की, 1 महीने में इकट्ठी 6 रुपये की लकड़ियाँ जला डाले। मियाँ क्या पूछ रहे, 1 महीने में 6 रुपये की लकड़ियाँ जला डाले क्या, बोल के अपने बीवी से पूछ रहे थे। तो बीवी क्या जवाब देते है, खुदा झूठ ना बुलवाए, सुबह के 4 बजे से जो चूल्हा सिलकता है तो कहीं रात के 12 बजे जाकर ठंडा होता है। बीवी क्या बोल रही, सुबह 4 बजे से जो चूल्हा सिलक कर रहता तो शाम के 12 बजे तक ठंडा नहीं होता। आप है कि मुँह धोए तो गर्म पानी से धोते, और वजू करे तो गर्म पानी से, नहाए तो गर्म पानी से, जब सारे दिन चूल्हा इधर धड़ धड़ जलेगा तो लकड़ी ना उठेगी तो क्या होगा, बोल के बीवी अपने मियाँ से कह रही हैं। इसी तरह हम दूसरा हिस्सा मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह, इसका तीसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे।